हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर कुमार और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर कुमार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको तो पता ही होगा जेई 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और उनके डेट्स भी आ चुके हैं। लगभग जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जेई 2023 देने वाले हैं तो आपको इन लास्ट के अप्रोक्स 30 डेज में क्या करना है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 30 दिन ही है। अगर आप ये वीडियो दिसंबर के लगभग 20 तारीख को देख रहे हैं तो फिर अगर अभी से आप देखते हैं तो आपके पास 30 डेज का टाइम है। तो आपको इन 30 डेज में क्या करना है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो खत्म होने के बाद ही आपको सारे चैप्टर्स के नाम को लिखने हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स के नाम को लिखना है अपने कॉपी में, सारे सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ, तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के नाम को आपको सबसे पहले कॉपी में लिखना है। जैसे ही आप उसे कॉपी में लिख लेते हैं उसके बाद आपको टिक मार्क करना है कि कौन कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीटेड है एंड कौन कौन सा चैप्टर आपका रिमेनिंग है, कौन कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं और कौन कौन सा चैप्टर आपका बाकी है। दोस्तों, जिस जिस चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हैं वो चैप्टर्स का तो आप ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपका कंप्लीटेड है। आप उनमें क्या कीजिएगा, अब आप उनमें बस रिवीजन करना है आपको उनके। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिएगा और क्या, और बस उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिएगा। और जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है उसमें भी क्या होता है कि आपका कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा बड़ा पढ़ चुके हैं लेकिन अच्छे से याद नहीं है, भूल गए हैं। कुछ कुछ चैप्टर आप एकदम ही पढ़े ही नहीं है। और दोस्तों, जेई में क्या होता है कि जेई इज अनसर्टेन, जेई में क्या होता है उसमें पता नहीं होता है किस चैप्टर से कब कैसा सवाल आ जाएगा। जेई बहुत बार किसी किसी चैप्टर से बहुत इजी सवाल भी देता है और किसी किसी चैप्टर से बहुत टफ सवाल भी दे देता है। और मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ चुके हैं और मान लीजिए आप SHM को पढ़े ही नहीं है, जेई क्या किया, जेई मेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत टफ सवाल दे दिया जो कि बहुत टफ है, जो आपका बन ही नहीं रहा है, और SHM से बहुत इजी सवाल दे दिया, ऐसे भी होता है। तो जेई में क्या होता है कि जो जो चैप्टर आप पढ़े नहीं है अगर आप उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो फिर भी आप उनको थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रख लेना चाहिए सारे चैप्टर्स का, क्योंकि जेई इज अनसर्टेन, जेई में कब क्या पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। तो जो जो आप नहीं पढ़े हैं, जो जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी हो सकता है कि बहुत इजी सवाल उससे भी आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए SHM से ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे देगा, फोर्स निकालने बोल देगा, F=-kx फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप SHM पढ़े ही नहीं है, आपको अगर पता ही नहीं है F=-kx वाला फॉर्मूला, अगर आप स्प्रिंग के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इजी कॉन्सेप्ट जो होता है, इजी चैप्टर्स के, वो सबको ध्यान। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं, फॉर एग्जाम्पल NLM, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सारे बेसिक चैप्टर्स को हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इनमें ज़्यादा ध्यान हम लगाते नहीं हैं। और जेई अक्सर यही चैप्टर्स के सवाल पूछ देता है और थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है जो कि ईजी होते हैं, लेकिन हम इन चैप्टर्स को ध्यान नहीं दिए इसीलिए हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन से सवाल आता ही है जेई मेंस में, साथ में इरर्स से आता है सवाल, इरर करेक्शन से भी सवाल आता है, तो उन सबको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो क्या होता है, वो बेसिक टॉपिक होता है, वो इजी टॉपिक होता है और जेई अक्सर उन्हीं से भी सवाल पूछ देता है। तो दोस्तों, बेसिक टॉपिक्स को भी आपको लेकर चलना है, उनको भी छोड़ना नहीं है, उन पर भी सेम ध्यान देना है जो जो आप बड़े बड़े टॉपिक्स में दे रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आपको उतना ही ध्यान देना है। अब दोस्तों, आपको एक और चीज़ में ध्यान देना है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, इक्वली डिवोट करना है, बिकॉज जो सवाल आएगा वो तीनों सब्जेक्ट से बराबर आएंगे। अगर मैथ में आपका 25 सवाल आएगा, फिजिक्स में भी 25 आएगा एंड केमिस्ट्री में भी 25 ही आएगा, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा सवाल हो किसी सब्जेक्ट में कम सवाल नहीं आएंगे, सवाल हमेशा बराबर आएंगे। तो आपको तीनों सब्जेक्ट में इक्वली फोकस करना चाहिए, केमिस्ट्री में भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए जितना आप फिजिक्स में किए हैं, जितना आप मैथ में किए हैं। अब तो उतना टाइम नहीं रह गया आपके पास कि अब आप पूरे एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, पूरे एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर केमिस्ट्री को एकदम पढ़े ही नहीं है तो आप गलत किए हैं, आपको केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। आप उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को अभी भी पढ़ ले सकते हैं, तो आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री पढ़ना। अगर आप फिजिक्स मैथ इन सबको नहीं पढ़े तो इन सब के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, आसान आसान चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। देखिए, अभी दिसंबर का 20th चल रहा है, लगभग 20 तारीख है दिसंबर का, तो लगभग दिसंबर के 20 तारीख से अगर आप देखते हैं तो पूरा दिसंबर का महीना आप अगर चाहें तो नया चीज़ पढ़ सकते हैं, आप अगर चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद जनवरी में आपको बस रिवीजन ही करना है, लेकिन दिसंबर का जो आपका 10 दिन अभी बाकी है, 10-11-12 दिन, उतना दिन आप नया नया पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है आप उन सबको पढ़ लीजिए।
उसके बाद जनवरी महीना में आप बस रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा। तो बहुत सारे बेसिक्स जो चैप्टर्स होते हैं उन सबको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या है, अब आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक सवाल 4 नंबर ही कैरी करता है, एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो मैथ का एक बहुत लेंदी, बहुत बड़ा, बहुत टफ सवाल भी 4 ही मार्क्स कैरी करेगा, एंड केमिस्ट्री का एक इजी 15 सेकंड वाला क्वेश्चन भी 4 ही मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप केमिस्ट्री का 15 सेकंड वाला सवाल को भी सॉल्व करते हैं तो आपको 4 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, एंड मैथ का एक बहुत बड़ा टफ सवाल, बहुत लेंदी सवाल को सॉल्व करते हैं तो भी आपको 4 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप सवाल को कैसे चूज कर रहे हैं, आप सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको स्मार्टली काम करना होगा। आप ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ का मैंने ये वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसका सवाल तो हम बनाएंगे ही। अब उसका अगर बहुत टफ सवाल आ जाता है तो आप कैसे कीजिएगा। अब जेई में तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट से वो इजी ही सवाल पूछेगा, सारे चैप्टर से वो इजी ही सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं है। वो किसी चैप्टर से इजी पूछता है तो किसी से टफ, तो आपको सवाल को स्मार्टली सेलेक्ट करना है। प्रत्येक सवाल 4 मार्क्स ही कैरी करता है, ये आपको दिमाग में रखकर हमेशा चलना है, हर वक्त चलना है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना है वहाँ पे एग्जामिनेशन में, बिल्कुल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अच्छे से टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि ये मैथ है तो इसको हम पूरा टाइम दे देंगे, 2 घंटा मैथ में ही करेंगे, बाकी 1 घंटा में फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कर देंगे। दिस इज नॉट द गुड वे। मैथ को समझ दीजिए, जरूरी है समझ दीजिए, लेकिन पहले आप उन सवाल को कर लीजिएगा जो जो ईजी रहेगा। आप सारे सवाल को पहले देख लीजिएगा और उन सवाल को सबसे पहले कीजिएगा जो जो ईजी रहेगा। एक बार मैं फटाक से शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है आपको सबसे पहले चैप्टर का लिस्ट को बनाना है, 3 सब्जेक्ट का। उनमें से आपको मार्क करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीटेड है, कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीटेड है, कौन सा चैप्टर आपका रिमेनिंग है। मार्क हो गया आपका, मार्क होने के बाद आपको जो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन रिमेनिंग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेना है, क्योंकि उनका कोई भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए। फॉर्मूलाज को देख लीजिए, फॉर्मूलाज को लेबल कर लीजिए, फॉर्मूलाज में एक दो सवाल, एक दो एग्जांपल्स बना लीजिए। ज़्यादा डीप तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीप जाने का समय अब आपके पास नहीं है, आपके पास कम समय है, तो ज़्यादा डीप मत जाइए, ओनली फॉर्मूलाज को देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार जेई इजी सवाल भी पूछ देता है बहुत सारे चैप्टर से। सारे इमेजेस, सारे डायग्राम, सारे इमेजेस को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जैसे ही उनको देख लिए, बहुत सारे बेसिक से चैप्टर होते हैं जैसे कि NLM, काइनामेटिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इन सब चैप्टर में भी आपको फोकस उतना ही करना है जितना आप बड़े चैप्टर्स में कर रहे हैं। इन सब चैप्टर्स को भी आपको छोड़ना नहीं है, इन सब चैप्टर्स के भी को भी ध्यान रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स, तीनों को इक्वली ध्यान देना है। अगर आप किसी चैप्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं तो उस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किसी सब्जेक्ट में, अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको पूरा कर लीजिए। अब क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन 4 नंबर ही कैरी करता है, एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो स्मार्टली आपको चूज करना है, एक मैथ का लेंदी सवाल भी उतना ही नंबर देगा जितना एक केमिस्ट्री का शॉर्ट 15 सेकंड का सवाल देगा, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अगर आपको कोई और आवश्यकता होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे ही और सारी वीडियोज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।